2 फरवरी को दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 44वां झारखंड दिवस का आयोजन होना है। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान सहित पूरे शहर को पार्टी के झंडा बैनर से सजाया गया है। कुल 45 तोरण द्वार बनाए गए हैं। खिजूरिया स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक बसंत सोरेन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण झारखंड दिवस का उत्साह फीका पड़ गया था। इस बार जब हालात सामान्य है तो कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों से पार्टी कार्यकर्ता कल दुमका पहुंचेंगे। शाम 4 बजे SP कॉलेज मैदान से जुलूस की शक्ल में पोखरा चौक होते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे। मंच पर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, CM हेमंत सोरेन सहित पार्टी के तमाम वर्तमान और पूर्व विधायक सांसद मौजूद रहेंगे। अन्य नेताओं के साथ साथ CM हेमंत सोरेन और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरु जी का संदेश सुनकर कार्यकर्ता अपने घर जाएंगे और अपने गांव में गुरु जी के संदेश को प्रचारित करेंगे। तैयारी तो तैयारी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि पूरे संथाल परगना के तमाम लोगों को आमंत्रण है। सब दिन की भांति हम लोग सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि सारे लोग आए और गुरुजी का संवाद, गुरुजी का संदेश को जाने कि हम लोगों के राज्य, हम लोगों का झारखंड किस दिशा और दशा में है और क्या होना चाहिए और क्या होना है, उसको लेकर के सभी लोगों को हम लोग आमंत्रण करें। दादा, 2 साल से लगातार कोरोना के वजह से साधारण ढंग से हो रहा था, इस बार किस तरह से खास तौर पे मनेगा, क्योंकि रात का जो जलसा होता है वो काफी खास होता है। हाँ, 2 साल से नहीं हुआ, ये बात हकीकत है और इस बार लोगों में काफी जोश है, काफी उमंग है कि ये झारखंड दिवस जो है इसको हम लोग बहुत ही उत्साह से इसको लें और गुरु जी के संदेशों को जाने। क्या कुछ खास है सर इस बार? खास कुछ नहीं, हमेशा की भांति इस बार भी वही है कि लोग जानना चाहते हैं कि गुरु जी का संदेश क्या है राज्य को लेकर के, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और क्या होना चाहिए, इसको लेकर के लोग हमेशा की बातें ही संदेश को भी लेना चाहेंगे और वही संदेश हम लोग भी 2 फरवरी को देना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि इस वर्ष झामुमो का 44वां झारखंड दिवस मनाया जा रहा है। कल शाम 4 बजे से शुरू होकर कार्यक्रम देर रात तक चलेगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे लोग झामुमो का स्थापना दिवस भी कह देते हैं। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संथाल परगना प्रमंडल में यह झामुमो का स्थापना दिवस है। 44 वर्ष पूर्व दुमका के नेहरू पार्क में पहली बार झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया था। मंच से अलग झारखंड राज्य की मांग की गई और इसके लिए आंदोलन की रणनीति बनी। समय के साथ 15 नवंबر 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य बना, लेकिन झामुमो द्वारा 2 फरवरी को झारखंड दिवस मनाने की परंपरा आज भी कायम है। यह दिवस पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।